क्रिकेट के खेल में बॉल टेम्परिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक फील्डर गेंद की हालत को गैरकानूनी तौर पर तब्दील करता है। बॉल टेम्परिंग का बुनियादी मकसद स्विंग बॉलिंग में मदद के लिए गेंद की एरोडायनामिक्स में मदाखलत करना है। आज हम कुछ ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में बॉल टेम्परिंग की। क्रिस प्रिंगल 1990। पाकिस्तान के दौरे के दौरान न्यूजीलैंड के बॉलर क्रिस प्रिंगल ने फैसलाबाद में 1990 की सीरीज के दौरान गेंद की एक साइड को कुचलने के लिए बोतल की छुपी हुई टोपी का इस्तेमाल किया। प्रिंगल और उसके कप्तान मार्टिन क्रो दोनों ने बाद में इस बात का एतराफ किया जब वो खेल से रिटायर हो गए थे। माइकल एथरटन 1994। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन पर 1994 में लॉर्ड में जनूबी अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच के दौरान बॉल टैम्परिंग का इल्जाम लगाया था, जब टेलीविजन कैमरों ने एथरटन को अपनी जेब तक पहुंचाते हुए और फिर गेंद पर कोई मादा रगड़ते हुए पकड़ा था। एथरटन ने बॉल टैम्परिंग की तरदीद करते हुए दावा किया कि उसकी जेब में गंदगी थी जिसे वो अपने हाथ से खुश करते थे। इन पर मैच रेफरी से झूठ बोलने का भी इल्जाम था। एथरटन को मैच रेफरी के पास तलब किया गया और उन पर £2,000 जुर्माना आयद किया गया। वकार यूनुस 2000। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस जुलाई 2000 में एक मैच के बाद बॉल टेम्परिंग की वजह से मौतली का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे और उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया था। सचिन तेंदुलकर 2001। भारत के 2001 के दौरे जनूबी अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच में सेंट जॉर्ज पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में मैच रेफरी माइक डेनिस ने मुबैना बॉल टेम्परिंग की रोशनी में सचिन तेंदुलकर को एक मैच के लिए मौतल कर दिया था। टेलीविजन कैमरों ने ऐसी तस्वीर उठाई जिससे पता चलता था कि तेंदुलकर क्रिकेट की गेंद की स्विंग को खुरच रहे हैं। ICC ने बाद में तेंदुलकर को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम से बरी कर दिया था और कहा कि इन्होंने एम्पायर की इजाजत के बगैर गेंद को साफ किया था। राहुल द्रविड़ 2004। हिंदुस्तान के राहुल द्रविड़ ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई ट्राई सीरीज के दौरान दिगाबा में गेंद के चमकदार हिस्से पर कांसी का लोजेंज रगड़ दिया। भारत ने मैच जीत लिया लेकिन द्रविड़ की गेंद के साथ छेड़छाड़ की फुटेज सामने आई और इस पर इनकी मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया। जेम्स एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड 2010। जनवरी 2010 में इंग्लैंड के गेंदबाजों स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपने बूटों के स्पाइक से गेंद को रोककर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया गया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि वो सिर्फ सुस्ती का मुजाहिरा कर रहा था क्योंकि इस दिन कैंप था, ग्राउंड में दर्जे हरारत 40 था। कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने जिस तरह का बर्ताव किया वो गलत था और मुझे इससे कोई शक नहीं कि अगर किसी दूसरे मुल्क का खिलाड़ी ऐसा करता तो हम कहते कि वो धोखा दे रहा है। शाहिद अफरीदी 2010। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर खड़े थे। जनवरी 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 T20 इंटरनेशनल मैचों की पाबंदी आयद की गई। वो कैमरे में क्रिकेट गेंद को काटते हुए पकड़े गए जब वो सीम को दोबारा एडजस्ट करने की अजीब कोशिश में थे। गेंद को बिलाकर तब्दील कर दिया गया। अफरीदी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वो गेंद को सूंघने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसने बॉल टेम्परिंग के कसूरवार को कबूल किया। पार्ट डू प्लेसिस 2013। दुबई में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान कैमरों ने जनूबी अफ्रीका के फील्डर फार डू प्लेसिस को पतलून की जिप से गेंद को खुरचते हुए फुटेज हासिल की। ऑन फील्ड एम्पायर्स ने पाकिस्तान के टोटल में 5 रन का इजाफा करके इस गेंद को तब्दील करके जनूबी अफ्रीका को सजा दी। फील्डर के एतराफी जुर्म के बाद मैच रेफरी ने फार डू प्लेसिस पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। फ्लिंडर 2014। 9 महीनों में दूसरी बार जनूबी अफ्रीका टेस्ट साइड ने खुद को बॉल टेम्परिंग के स्कैंडल में पाया। इस बार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के तीसरे दिन मीडियम फास्ट बॉलर वर्नन फ्लिंडर गेंद के साथ छेड़छाड़ के मुजरिम पाए गए। फ्लिंडर को कानून की शक 42.1 की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। अपनी उंगलियों अंगूठे से गेंद को खुरचना और उन पर मैच फीस का 75% जुर्माना आयद किया गया। जनूबी अफ्रीका ने यह टेस्ट 150 रन से जीत लिया था। फाफ डू प्लेसिस 2016। हॉबर्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फाते के बाद 18 नवंबर 2016 को एक और जनूबी अफ्रीकी पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम आयद किया गया। प्रोटीज कप्तान फाफ डू प्लेसिस पर इल्जाम लगाया था कि इन्होंने गेंद की हालत के साथ छेड़छाड़ की थी जब टीवी फुटेज में इन्हें पौदीना या लॉली से गेंद पर थूक लगाते हुए देखा गया था। यह इल्जाम ICC ने लगाया था। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत दर्ज नहीं की थी। डू प्लेसिस को 22 नवंबर को बॉल टेम्परिंग का कसूरवार पाया गया था और दूसरे टेस्ट से इनकी मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया था। निकोलस पोरन 2019। नवंबर 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान निकोलस पोरन बॉल टेम्परिंग का कसूरवार पाया गया। पोरन ने इल्जाम कबूल किया और इन पर 4 T20 मैचों की पाबंदी लगा दी गई। स्टीव स्मिथ 2018।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरॉन बैंक्राफ्ट पर 24 मार्च 2018 को बॉल टैम्परिंग का इल्जाम आयद किया गया था, जब ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें इन्हें न्यूलैंड स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन एक पीली रंग की चीज से गेंद को रगड़ते हुए और बाद में छुपाते हुए देखा गया था। बैंक्राफ्ट ने बाद में दावा किया कि ये चीज पीली चमकने वाली टेप की एक मुख्तसर लंबाई थी जिस पर गंदगी और चिकनाई चिपक गई थी जिससे एक खुरचने वाली सतह बन गई थी। हालांकि 4 दिन बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक की कि यह दरअसल सैंड पेपर था। इस दिन के खेल के अख्तिताम पर कप्तान स्टीव स्मिथ और बैंक्राफ्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बैंक्राफ्ट ने एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बॉल टैम्परिंग का एतराफ किया। इसके बाद स्मिथ ने कहा कि छेड़छाड़ की मनसूबाबंदी लंच ब्रेक के दौरान एक नामालूम क्यादत ग्रुप ने की थी। स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर इस वाकये के बाद सुबह टीम की क्यादत से दस्तबरदार हो गए लेकिन फिर भी खेलते रहे। विकेट कीपर टीम पेन ने बकिया टेस्ट मैच के लिए कप्तानी संभाली।